हेलो एवरीवन ऑफ क्लास 12th, नाउ इट्स नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म से रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है और कौन सी घटनाएं होती हैं प्रिज्म से रिफ्रैक्शन में। अब आप देखिए, माना ये कि रे है पी क्यू जो इंसिडेंट हो रही है फेस ए बी पर, उसके बाद ये रिफ्रैक्ट होगी अलोंग क्यू आर, और फिर जैसे ये ए सी वाले फेस से बाहर निकलेगी तो अगेन इसमें रिफ्रैक्शन होगा, बिकॉज ये ग्लास का प्रिज्म है और बाहर रेयरर मीडियम है एयर, तो ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी आर एस डायरेक्शन में। अब जो यहाँ पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर दें, कहाँ पर क्यू वाले पॉइंट पर, क्यू वाले पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, ये पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है इस फेज ए बी पर, तो जो पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ दैट इज़ इसको हम आर वन कह देते हैं, पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ये वाला एंगल, और फिर ये दूसरा रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है तो इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नंबर टू आर टू कह दिया हमने। ठीक, यहाँ पर भी हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और जो रे निकल रही है ये इसको इमरजेंट रे कहेंगे, पी क्यू कहलाएगी इंसिडेंट रे, क्यू आर कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे, आर एस कहलाएगी इमर्जिंग रे, इमरजेंट रे। ठीक हो गया, ये एंगल ऑफ इमरजेंस कहलाएगा, कौन सा वाला। अगर हम क्या कर दें इसको, ये जो एंगल ऑफ इमरजेंस है और ये एंगल ऑफ डिविएशन कौन कहलाएगा, जो इंसिडेंट रे जहाँ इसने जाना चाहिए था और जो इमर्जिंग रे जहाँ से इमर्ज हो रही है उसको अगर बैक में यहाँ मिला देंगे तो उनके बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिविएशन। तो इनमें एक रिलेशन निकालना है, मैंने आपको बताया पी क्यू एन इज इक्वल टू आई हो गया हमारा, एस आर एन डैश ही रहा, एस आर एन डैश, एन डैश ही रहा, ये दिख रहा होगा आपको एस आर एन डैश, इसको बोल देंगे ई। इसी प्रकार ये वाला एंगल आर वन, ये वाला एंगल आर टू मैंने कह दिया, और इस एंगल को कह दिया एंगल ऑफ डिविएशन, जिसको हमने बोल दिया डेल्टा। अब टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर, टी एंगल क्यू और आर, ये वाला, ये छोटा वाला एंगल अंदर का, ये वाला एंगल, ये कितना होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल आई के बराबर होगा बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो आई में से अगर ये आर वन घटा दे तो ये ऊपर वाला निकल जाएगा, आई माइनस आर वन। इसी प्रकार से टी आर क्यू, टी आर क्यू, ये वाला एंगल अंदर का, ये पूरा ई है, ये आर टू है, ई में से आर टू घटा देंगे ये ऊपर वाला बच जाएगा बिकॉज ये पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल होने से बराबर है। तो इन टी क्यू आर, टी क्यू आर वाले ट्राइंगल में ये टी रहा और ये हुआ क्यू, ये रहा आर, इसमें एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, एंगल डेल्टा जो है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है, टी क्यू आर प्लस टी आर क्यू के बराबर होगा। इन दोनों की वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं, आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, आई प्लस ई को एक साथ लग दिया, माइनस कॉमन आ गया आर वन प्लस आर टू, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लिया। अब आप देखिए इन ट्राइंगल क्यू आर ओ, क्यू आर ओ में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, तो ये हुआ आर वन, ये हुआ आर टू, ये हुआ क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, तीनों को जोड़ दिया 180 आ गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब आप देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ओ आर, ए क्यू ओ आर के चारों एंगल्स का जो सम होगा वो होगा 360 डिग्री, बट एक यहाँ पर क्यू पर जो एंगल बना हुआ है ये 90 हुआ क्योंकि यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तभी तो नॉर्मल हुआ। आर पर भी जो एंगल, यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, ये भी एंगल कितने का होगा, 90 का, ये दोनों 90 हो गए, तो 360 में से 180 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा, 180। तो ये जो आमने सामने के अब दो एंगल बचे हैं, ओ पर बना हुआ और ए पर बना हुआ, इन दोनों का समझो होगा वो 180 होगा, इसको लिख लिया ए प्लस क्यू आर ओ, क्यू ओ आर इक्वल टू 180। इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से देखिए अब क्या आया, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो आर वन प्लस आर टू प्लस क्यू ओ आर इक्वल टू ए प्लस क्यू ओ आर, क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, यह आ जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, इसको रख दिया इक्वेशन नंबर वन में, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, आर वन प्लस आर टू के बदले क्या रख दिया हमने यहाँ से, ए, ए लेफ्ट साइड में गया, ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा आई प्लस ई, ये रिलेशन होता है इनके बीच में।